ऊपर चढ़ते हैं और जाके ना स्पीकरों को चेक करते हैं कि किस स्पीकर में फॉल्ट है। सारे यूनिट जो है ना मैंने चेक कर लिए हैं, ये 3 यूनिट काम नहीं कर रहे ब्रदर, 1 यूनिट जो है वो काम कर रहा है। हमने कहा ऊपर तो आए हुए हैं, इन प्लेटों को भी अच्छे से साफ करते जाएं। यूनिट हमने खोल के नीचे पहुंचा दिए। नाश्ता तैयार हो गया मम्मी? आप भी आ जाओ नाश्ता कर। वो भाई कह रहा था यार आपको 1 साल हो गया आपने डब्बे नहीं फेंके। अच्छा। मैंने कहा मैंने इन्हें बक्से में रखा हुआ था। फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत होंगे। अलहमदिल्ला आपके जो हम सब ठीक ठाक हैं। अभी जी माशाल्लाह से बहुत प्यारी सुबह हो गई है तो नमाज भी पढ़ ली है अलहमदिल्ला। अभी जो है ना बच्चों का नाश्ता बनाने लगी हूँ क्योंकि फिर नाश्ते को देर हो जाती है। फिर जो है ना जनक जो है ना मतलब कि तैयार उसको होते होते देर हो जाती है तो कभी कभी मुझे भी नाश्ता बनाने में जो है ना वो मैं लेट हो जाती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। और अभी जो है ना बड़ी खाला भी झाड़ू दे रही है, हमारा भी झाड़ू जो है वो दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम काफ़ी दिनों बाद आज मॉर्निंग की रूटीन जो है ना वो कवर कर रहे हैं, बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और एक और चीज़ कि मैंने आज जो ना मस्जिद के लिए ना किसी काम भी जाना, क्योंकि मस्जिद का एक स्पीकर ना फॉल्ट कर रहा है, तो मैंने वो सुबह सुबह ना पर्ची ढूंढने की कोशिश की है। हाँ मिल गई है। चलो शुक्र है अल्लाह का। उसने 5 साल फ्री सर्विस का यहाँ पे लिखा हुआ तो है, 5 साल फ्री सर्विस। तो अभी चलते हैं जाके उससे बात करते हैं। भाई जान आपका स्पीकर जो है ना वो फॉल्ट कर रहे हैं, एक स्पीकर फॉल्ट कर रहा था। हाँ, उसको उतारा है, अभी दूसरे नहीं चल रहे, मतलब दूसरे फिर सही चल रहे थे। अच्छा। फिर अभी दूसरे को मेरे ख्याल में कोई फॉल्ट है इसलिए नहीं चल रहा। सबको ले जाओ, चारों स्पीकर को ले जाओ। मैं भी यही कह रहा हूँ, चारों को ले जाओ, फिर ऐसे एक एक को फिर वो कर, चारों को ले जाओ और उस पर दिखा के आओ। बोलो ये देखो आप, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ ऐसे। नहीं 1 साल हो गया है। हो गया है? हाँ 13 अगस्त 2023 में लेके आए थे। हाँ जी। और अभी है मेरे ख्याल में नहीं 19 अगस्त 2023 को लेके आए थे। तो फिर ले जाओ इसको, चारों को उतार के ले। 5 साल फ्री सर्विस को उसने लिख के दिया था, तो 1 साल की गारंटी थोड़ी थी, 5 साल की गारंटी। 5 साल के ना तो 1 साल हो गया, तो 4 साल तो अभी उन्हें नहीं और ना। हाँ। तो लेके तू चारों उतार के लेके जाओ। मैं तो इतनी किस दिन, हाँ जब 12 रबीउल अव्वल थी ना, दिन को 12 के दिन को। हाँ सुबह जुम्मा है तो आज लेके जाना ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज लेके जाना है और बनवा के आना है और इनको लगाना है। सुबह फिर महलाता है तो माशाल्लाह से फिर जारी बात है। स्पीकरों का होना तो जरूरी है। हंसी जी सुबह जो मौलवी साहब ने ना नात लगाई, वो जो फोन के ऊपर जो लगती है ना। हाँ सुबह वो थी 12 रबीउल की रात को लगाई थी। हाँ जो छोटे फोन के ऊपर दिन को 4 बजे ना उसके ऊपर पता नहीं लगाई है, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे तो नहीं पता। वो इतनी स्पीकर शोर किए हुए थे, मुझे लगता है खुद नात कह रहा मतलब बयां कर रहा था स्पीकर का वॉल्यूम अप किया था। और रात को ना राजा डर के मेरे चरपाई के बैठा मामू। वही वही कह रही हूँ, स्पीकरों ने इतना शोर किया कि ऐसे पता लगता था कि हमारी चरपाइयों की इनका थ्रो बहुत ज्यादा है। अभी नजदीक जो है ना आवाज कम आती है, दूर ज्यादा जाते हैं क्योंकि ये थ्रो वाले हैं, 10 किलोमीटर तक थ्रो जाता है इनका। माशाल्लाह हम कहाँ कहाँ तक जाते हैं, वहीं तक आजान की आवाज जा रही होती है। अभी बिल तो मैंने तलाश कर लिया है तो अभी स्पीकरों को चेक करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और जाके ना स्पीकरों को चेक करते हैं कि किस स्पीकर में फॉल्ट है। पहले एक स्पीकर में फॉल्ट था वो ना खोल लिया गया, यूनिट मैंने खोला है, उसकी वजह से स्पीकर नहीं चल रहे थे। मैंने वायरिंग चेक की है, सब वायरिंग ओके थी, मतलब जैसे उस भाई ने बोला था, निशान लगा के दिए थे वैसे वायरिंग थी। अब जिस पे कवा बैठा हुआ है ये देखे ना, इसका यूनिट पीछे से खुला हुआ है, यानी इसका यूनिट हमने खोल लिया था। हाँ इसलिए खोला था क्योंकि उसकी वजह से ना बाकी के स्पीकर नहीं चल रहे थे। अभी एक को और चेक करते हैं कि इसी में किसी में फॉल्ट आया होगा जिसकी वजह से बाकी के यूनिट नहीं चल रहे। तो अभी ऊपर चढ़ते हैं और चेक करते हैं। बच्चे जो है ना पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं और बाकी जो है ना। ऐसे मैं कहता हूँ स्पीकरों को चेक कर लेना, जी
पर्ची तो मैंने ढूंढ ली है। अच्छा। उनका बिल जो है ना 5 साल की फ्री, मतलब उनकी थी वारंटी भी थी, सर्विस फ्री थी। हाँ 5 साल की सर्विस फ्री थी, मुझे याद आया जी जी। वारंटी तो 5 साल की थी, यानी 5 साल की सर्विस फ्री, इसका मतलब भी यही होता है 5 साल की वारंटी। अगर जो कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्री बना के देंगे। हाँ तो अभी चढ़ते हैं ऊपर जी, चल के चेक करते हैं इनको क्या फॉल्ट हुआ। बच्चे जाओ, आप जाके ना घर से प्लास लेके आओ, जाओ। शाबाश माशाल्लाह जी, सूरज तलू हो रहा है, मैं दीवार के ऊपर चढ़ गया हूँ, अभी प्लास का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे प्लास आता है तो फिर जाऊँगा ऊपर, जाके ना ऊपर चेक करते हैं। माहौल सुबह सुबह कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अभी मैं इनके ऊपर आ गया हूँ, नंबर चेक करते हैं सबसे पहले। देखे ना, इसका ये वाला स्पीकर हमने खोल लिया था और इसकी वायरिंग है ये वाली, क्योंकि जी इसका स्पीकर नहीं चल पा रहा था, कोई इशू आ रहा था, तो अभी इसको चेक करते हैं। अभी एक वायर का टुकड़ा जो है ना वो मैंने ले लिया है, अभी सब यूनिट को चेक करते हैं किस यूनिट में फॉल्ट है। इन दोनों को हम अटैच करेंगे और चेक करेंगे किस यूनिट में अब फॉल्ट आ रहा है। सारे यूनिट जो है ना मैंने चेक कर लिए हैं, ये 3 यूनिट काम नहीं कर रहे ब्रदर। एक यूनिट जो है वो काम कर रहा है, बाकी 3 यूनिट जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं क्या हुआ, बहरहाल मतलब ले चलते हैं, ये लो स्पून से लेके जाना नीचे, ख्याल से ख्याल से। अभी पढ़ना अस्सलातु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। ठीक है, एक यूनिट जो है ना वो काम कर रहे हैं, बाकी 3 यूनिट काम नहीं कर रहे थे, एक यूनिट अभी भी चल रहा है ठीक ठाक। तो अभी हम नीचे चलते हैं, ले चलो सुकून से नीचे, ले चलो यहाँ पर रखो और नीचे वाले को पकड़ा दो। इन्हें ना फिर बनवा के आते हैं, हमने कहा ऊपर तो आए हुए हैं, इन प्लेटों को भी अच्छे से साफ़ करते जाएं। यूनिट हमने खोल के नीचे पहुंचा दिए, एक यूनिट लगा हुआ है, इसकी आवाज़ आ रही है, बाकी दो की नहीं आ रही थी, एक तो पहले खुल गया था, अब दो की नहीं आ रही थी। लेकिन आज चलते हैं जाके ना इन यूनिटों का काम सबसे पहले करवाते हैं। बच्चा इधर नहीं लगना ठीक है, ख्याल करना, आ जाएगा आज। नाश्ता तैयार हो गया मामी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी आ जाओ नाश्ता करो। चलो जल्दी चलते हैं फिर, जाना स्पीकर बनवाने के लिए। 3 स्पीकर चल गए हैं, 3 चल गए, एक सही है, इसको भी ले जाओ। नहीं वो ठीक है, उसको क्यों ले जाएं? चलो ठीक है, बस मैं बच्चों को नाश्ता करवा लूं, फिर मैं आपसे देखूंगा। पता नहीं क्या हुआ एक दिन, मतलब एक दिन में इतना नुकसान हो गया, पता नहीं क्या इशू बना है। ये बच्चों को ना यूपीएस के ऊपर चलाना नहीं आता, तो उस्ताद साहब को बोलो ये आप खुद वो खुद चलाता है, वो खुद चलाया था उसने। अच्छा, ये अभी पहुंच चुके हैं मैकेनिक की दुकान पर और हमारे जो स्पीकर हैं वो चेक हो गए हैं। भाई कहते हैं इनमें क्या है, पानी, या फिर कारी साहब ने शायद आवाज़ ज़्यादा खोली है जिनकी वजह से ना मतलब ये कोयलें जो है ना इनकी ख़राब हो गई, कोयलें जल गई हैं। तो अभी ना इनकी कोयलें ओरिजिनल मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, ओरिजिनल मिल जाएंगी ना? मिल जाएंगी, पक्की बात है। तो ओरिजिनल कोयलें जो है ना इनके अंदर डालते हैं और फिर इनको लेके जाते हैं। हाँ ये है जी भाई की शॉप, यहीं से हम स्पीकर परचेज करके लेके गए थे, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मशीन बना के दी थी, अपने हैंड से तैयार की थी, हैंडमेड थी। तो मशीन बहुत पावरफुल है, जिनकी वजह से ना आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से ना पीछे से पावर ज़्यादा आई है इनकी बर्दाश्त से बाहर, तो फिर जो है ना ये कोयले छुट्टी कर गई हैं ऐसे ही ना।
तो चलें जी। पानी भी क्या है इसमें? पानी वैसे होते वाटर प्रूफ है, पता नहीं पानी चला कैसे गया। अच्छा शायद हो सकता है क्योंकि बुछाड़ बारिश की आंधी और जब आती है ना बारिश तो तब चला जाता है। अच्छा इससे पानी से बचाव का कोई तरीका है? रुख जो है ना, रुख थोड़ा सा ऐसे हो है, ऐसे मैंने ऐसे रखवाया, ऐसे हुआ है थोड़ा सा रुख ऐसे हो, कभी भी नहीं जाता पानी। अच्छा मैंने ऐसे रुख रखवाया हुआ है, मुझे पहले अंदाज़ा था इस बात का कि इनमें पानी जा सकता है बौछाड़ के साथ, तो फिर मैंने ना वेल्डर को बोला था, उसने जो जंगला बना के दिया ना वो ऐसे ही करके दिया था मुझे, पता नहीं बारर फिर भी चला गया। फिर भी मजीद जो है ना, चलो हमारे जो स्पीकर थे वो तो बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन हमने लेनी थी कुछ डेटा केबल्स वगैरह मोबाइल के लिए, चार्जर लेना था, चार्जर जो है ना वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए अभी चलते हैं जी वापस। बाहर मोटर बाइक खड़ा किया है हमने, पर्ची हमने ले ली थी, अभी चल के मोटर बाइक खींचते हैं और शाम भी हो गई, कम अज़ कम टाइम हो गया 6:30 का, तो हम जल्दी से निकलते हैं क्योंकि अंधेरा छा रहा है। फैमिली तौर पर यूनिट बनवा के लेके आए हैं, मामी पूछ रही थी, देख रही थी कि बनवा के ले आए कि नए लेके आए, मैंने कहा बनवा के ले आए क्योंकि हमने ना डब्बे संभाल के रखे हुए थे, एक साल हो गया, एक साल हो गया है मैंने इसके ना डब्बे कैप हर चीज़ संभाल के रखी हुई थी। वो भाई कह रहा था यार आपको एक साल हो गया आपने डब्बे नहीं फेंके। अच्छा। मैंने कहा मैंने इन्हें बक्से में रखा हुआ था, कहता यार वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, मैंने ना इन्हें संभाल के रखवाया हुआ था, मैंने मुझे पता था कुछ भी हो सकता है। अभी भी 5 साल की गारंटी है, अभी भी हमने नहीं इसको फेंकना, हाँ संभाल के रखना है। मामी ओरिजिनल कोयल लिए, ओरिजिनल कोयल है ना। अच्छा। उनकी कोयले ना जैसे कारी साहब आप लोग कह रहे थे कि हम रात को सोए हुए थे, कारी साहब ने अचानक से वॉल्यूम जो ना छोड़ा, जो मशीन है ना हमारी वो वहाँ की टॉप एंड मशीन है, वो अभी भी कह रहा था कि जो आपको मशीन मैंने दी है ना अभी काफ़ी महंगी बिक रही है, तकरीबन कम अज़ कम 80-85 हज़ार रुपये की अकेली मशीन है जो आपको हमको दी। उस वक्त तो हमें मतलब एक साल पहले हम मतलब मेरे ख्याल में 70 की या 65 की मिली थी मेरे ख्याल में से, पूरा पक्का है, हाँ तो इतने की मिली थी। अभी वो कह रहा है 80 हज़ार की वो मशीन मतलब बन के जा रही है, वो हैंडमेड थी ना, वो बहुत पावरफुल है, उस पर 10 यूनिट भी चल सकते हैं। अच्छा। तो कारी साहब ने अचानक से आवाज़ खोली ना, आप लोग कह रहे थे कि मैंने कहा उस दिन कुछ हाल था सबका वो कारी साहब गया ना तो उसने फुल आवाज़ खोली और मैं मुझे पता है, मैंने कहा वो कारी साहब को पता है, मैं तो अंदर बैठा हूँ तो बाहर पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो फिर ना काम खराब हो गया। तो फिर इसकी ओरिजिनल कोयलें ढूंढने में ना हमें कोरिया की ओरिजिनल कोयलें ढूंढनी थी सैमी की, जो जिस कंपनी की ये है देखे ना सैमी सोंड, तो हाँ, फिर इसकी कोयले ढूंढने में हमें काफी टाइम लग गया, इसलिए हम लेट हो गए। बन गए हैं तो ये बस वहीं पे फिट करने हैं ना, ऊपर जाके फिट करके हाँ कनेक्शन करेंगे, सुबह कर लेंगे हम, मैं खुद कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, पहले भी मैंने खुद किया था। चलो अच्छी बात है, बन गए ना क्योंकि सुबह देखो फिर कितने, सुबह जुम्मा था तो मसला था, फिर मैंने कहा चले बनवा लेते हैं, सबसे पहले ना ये काम करते हैं। चलो मैं बच्चों को देती हूँ, फिर बच्चे जो है ना फिर ले जाएंगे, ठीक है। चले उधर रखवाओ, इधर कमरे में अभी बच्चों उधर उधर रखवा दो, ये उठा के ले जाओ, और ना पता क्या है उसमें रख के आओ, क्या कहते हैं यार जो मशीन वाला नहीं है जहाँ पे पहले पड़े थे वहाँ पे रख के आराम से, बेटा ये रख दो यहीं पे, ये ले जाओ बाद में ये ले दे के आते हैं। चलें जी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, आज का हमारा दिन जो है ना एक ही व्लॉग बना है हमारा, हाँ जी। सुबह से लेके शाम तक ना मतलब एक ही व्लॉग बना है, लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट काम था, हाँ बहुत ज्यादा जरूरी था, मैंने सारे काम जो है ना पेंडिंग में डाल दिए, हाँ मैंने कहा ये काम क्योंकि सुबह जुम्मा था, हाँ जी। तो एक सुबह मिलाद है हमारा, जलसा है, तो उसके इसलिए ना फिर मैंने सबसे पहले इसे प्रेफर किया, मैंने कहा यही सबसे पहले करते हैं और फिर बाकी काम बाद में करेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, यहीं पे एंड, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।